ये नदी है परवन, मध्य प्रदेश से बहती हुई राजस्थान आती है। यहाँ बन रहा है राजस्थान का चौथा सबसे बड़ा डैम। नए साल पर बढ़ते राजस्थान की कहानियां दिखाते हम आ पहुंचे झालावाड़ के अकावत कला। 25 किलोमीटर कैचमेंट एरिया में बन रहे इस डैम के पूरे होने से 3 जिलों की प्यास बुझ सकेगी। 2 लाख हेक्टेयर भूमि पर किसानों को सिंचाई के लिए भी राहत मिलेगी। परवन नदी पर डैम बनाने का काम यहाँ पर बहुत तेजी से चल रहा है। फिलहाल 3 गेट बनाए जा चुके हैं। नदी पर करीब 15 गेट बनाए जाएंगे। मेरे साथ अभी अधीक्षण अभियंता अजीत कुमार जैन जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा और किस तरह की उन्हें यहाँ चुनौतियाँ देखने को मिली है। सर, कब तक डैम पूरा होगा और किस तरह की चुनौतियाँ आप यहाँ मान के चल रहे हैं? सर, मुझे उम्मीद है कि हम फरवरी 2025 तक इस डैम को पूरा कर पाएंगे। 490 मिलियन घन मीटर की जो अपने उपयोगी भराव जो टोटल भराव क्षमता है उसमें हम करीब 637 गांवों की इरिगेशन के लिए और 1821 गांवों के लिए पेयजल उपलब्ध कराएंगे। इस डैम की खासियत है इसका ऑपरेशन मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरह से रहेगा। इसमें एक मेन चीज ये भी है कि जो अपने गेट ऑपरेट करेंगे वो स्काडा कंट्रोल्ड है। एक्चुअली स्काडा कंट्रोल में एक तो अपने जो जो आप पिलर देख रहे हैं पिलर के ऊपर से आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। एक कंट्रोल टावर बनेगा उससे भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से ऑफिस में बैठ के मोबाइल से भी कहीं से भी इसके गेट ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम राजस्थान से बाहर भी हैं या राजस्थान में जयपुर भी हैं तो हम मोबाइल से या गेट को कंट्रोल कर सक पाएंगे? बिल्कुल करिए। इसमें जो भी आधुनिक तकनीकी जो अभी वर्तमान में दुनिया में लग रही है वो इसके अंदर लगी हुई है। डैम का 60% काम पूरा हो चुका है। डैम पूरा बनते ही निकट तोड़ा जाएगा जिससे 25 किलोमीटर ढलान एरिया में पानी फैलेगा। इससे 47 गांव पानी में डूब जाएंगे। जहां अभी खेती हो रही है वहां आगे नहीं हो पाएगी। गांवों के पुनर्वास का काम जारी है। अडानी और छबड़ा थर्मल पावर को बिजली बनाने के लिए यहां से पानी दिया जाएगा। साथ ही 55 मेगावाट का सोलर प्लांट भी डैम में लगेगा ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुंच सके। डैम की लागत 673 करोड़ है। मुआवजा पुनर्वास जोड़कर लागत 7355 करोड़ आएगी। डैम से पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए 2 नहरों का भी निर्माण कराया जा रहा है। एक नहर 89 किलोमीटर की है तो दूसरी 54 किलोमीटर की है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नहर बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इसी के जरिए लोगों के खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा और जहां पर डिग्गी बनाए जाएंगे और उन डिग्गी से सीधा खेतों में फवारे के जरिए किसान अपनी खेती कर पाएंगे। विक्रम सिंह सोलंकी, दैनिक भास्कर, झालावाड़।